दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाफ खेली जाने वाली 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए BCCI ने किया भारतीय टीम का ऐलान और इस सीरीज के लिए टीम इंडिया की पूरी तरह से ही नए स्क्वाड के साथ एक बार फिर से टीम इंडिया खेलने के लिए तैयार हो चुकी है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए हम सब कुछ बताने वाले हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का आगाज कब से होने जा रहा है और BCCI ने भारतीय स्क्वाड में किन किन खिलाड़ियों के लिए शामिल किया है, इसलिए यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप अंत तक जरूर देखें। जी हां दोस्तों, इस समय भारतीय टीम साउथ अफ्रीका में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने जा रही है, जहां पर टीम इंडिया पहला टेस्ट मैच हारने की कगार पर खड़ी हुई है। लेकिन इसी बीच BCCI ने अफगानिस्तान के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू हो रही 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए भारत के 15 सदस्यीय टीम स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जहां पर इस सीरीज के लिए टीम इंडिया में कई धाकड़ खिलाड़ियों की वापसी होने जा रही है, तो कई युवा खिलाड़ियों के लिए इस सीरीज से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, इसलिए दोनों टीमों के बीच यह सीरीज काफ़ी निर्णायक होने वाली है, जहाँ पर इस सीरीज के लिए टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे धाकड़ खिलाड़ियों की वापसी होने जा रही है। तो वहीं खराब फॉर्म से जूझ रहे इस सीरीज के लिए ऋतुराज गायकवाड़, ईशांत किशन जैसे धाकर खिलाड़ियों के लिए टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो वहीं इस सीरीज शुरू होने से पहले ही भारतीय टीम के लिए कई बड़े झटके लग चुके हैं, क्योंकि टीम के स्टार खिलाड़ी हार्दिक पांड्या इस सीरीज में खेलते हुए दिखाई नहीं देने वाले हैं। तो वहीं भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 सीरीज का पहला महामुकाबला 11 जनवरी को मोहाली में शाम 7:30 बजे से खेला जाना है, तो वहीं दूसरा T20 महामुकाबला 14 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा, तो वहीं आखिरी और तीसरा T20 महामुकाबला 17 जनवरी को बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है। इसी के लिए टीम इंडिया का कप्तान बनते ही रोहित शर्मा ने कई धाकड़ खिलाड़ियों की वापसी करा दी है, तो वहीं अफगानिस्तान की टीम भी इस सीरीज के लिए काफ़ी उत्साहित नज़र आ रही है, इसलिए इन दोनों टीमों के बीच वर्ल्ड कप से पहले होने वाली आखिरी सीरीज काफ़ी निर्णायक और कड़ी होने वाली है, इसलिए BCCI ने इस सीरीज के लिए उन्हीं खिलाड़ियों के लिए मौका दिया गया है जो वर्ल्ड कप 2024 में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि भारतीय टीम के लिए यह आखिरी इंटरनेशनल T20 सीरीज होने वाली है, इसलिए रोहित शर्मा सहित सभी उन्हीं सीनियर खिलाड़ियों के लिए मौका दिया गया है जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं। अब देखना होगा कि यह सभी खिलाड़ी इस सीरीज में किस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं, जहां पर इस सीरीज के लिए टीम इंडिया का कप्तान भी बदल चुका है, अब जहां पर रोहित शर्मा भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। अब देखना होगा कि रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में अफगानिस्तान के खिलाफ किस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं। तो वहीं इस सीरीज के लिए BCCI ने इन 15 सदस्यीय स्क्वाड को अफगानिस्तान के खिलाफ खेली जाने वाली 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए चुना है। जहां पर पहले खिलाड़ी की बात करें तो हम इस सीरीज के लिए टीम के कप्तान रोहित शर्मा के लिए एक बार फिर से चुना गया है, क्योंकि रोहित शर्मा करीब 1 साल बाद T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देने वाले, हालांकि वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज में कुछ भी खास कमाल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि वह T20 क्रिकेट में किस प्रकार की वापसी करते हैं, क्योंकि उन्होंने आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच T20 वर्ल्ड कप में खेला था, तब से वह टीम इंडिया से लगातार बाहर किए जा रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप में धमाकेदार प्रदर्शन किया है उसी प्रकार उम्मीद है कि वह अच्छा प्रदर्शन करें। वही दूसरे खिलाड़ी के रूप में इस सीरीज के लिए एक बार फिर से युवा बल्लेबाज सुमन गिल खेलते हुए दिखाई देने वाले, क्योंकि सुमन गिल जिस तरह से वनडे क्रिकेट में अपने लंबे लंबे चौके छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, उसी तरह से उम्मीद है कि वह T20 क्रिकेट में अपनी धमाकेदार वापसी करेंगे और हर हाल में टीम के लिए जीत दिलाएंगे। तो वही तीसरे ओपनर के रूप में इस सीरीज के लिए एक बार फिर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाने वाले यशस्वी जायसवाल के लिए मौका दिया गया है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल इस समय T20 क्रिकेट में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते आ रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने हाल ही में खेली गई सीरीजों में भी धमाकेदार प्रदर्शन किया है। तो वही चौथे खिलाड़ी के रूप में एक बार फिर से श्रेयस अय्यर के लिए दोबारा से T20 क्रिकेट में वापसी होने जा रही, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से ODI वर्ल्ड कप में बेहतरीन धमाकेदार प्रदर्शन किया और भारतीय टीम के लिए इस फाइनल तक शपथ तय किया था, इसलिए उम्मीद है कि वह इस सीरीज में ऐसा ही प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। तो वहीं पांचवें खिलाड़ी के रूप में टीम में एक बार फिर से इस सीरीज के लिए सूर्य कुमार यादव के लिए दोबारा से खेलने का मौका मिल गया है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव अभी चोटिल हैं, इसलिए उम्मीद है कि वह इस सीरीज तक खेलने के लिए फिट हो जाएंगे। लेकिन सूर्य कुमार यादव जिस तरह से T20 के नंबर एक बल्लेबाज माने जा रहे हैं, वो लंबे लंबे सिक्स लगाने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उम्मीद है कि वह
वर्ल्ड कप से पहले खेली जाने वाली आखिरी सीरीज में वह अच्छा प्रदर्शन करेंगे और टीम इंडिया हर हाल में यह सीरीज जीतने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो वहीं छठवां खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली हैं, क्योंकि विराट कोहली काफ़ी लंबे समय बाद अब T20 क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल T20 मैच T20 वर्ल्ड कप में खेला था, तब से वह T20 क्रिकेट से दूर हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप में और टेस्ट क्रिकेट में लगातार लंबे लंबे चक्के चौके लगा के आ रहे हैं, इसलिए उनसे और भी अच्छे प्रदर्शन की इस सीरीज में उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं सातवें खिलाड़ी इस सीरीज के लिए रिंकू सिंह होने वाले हैं, क्योंकि रिंकू सिंह इस समय T20 क्रिकेट में सबसे घातक और खतरनाक बैट्समैन माने जा रहे हैं। जिस तरह से वह जब से उन्होंने हार्दिक पांड्या की गैर मौजूदगी में 6 नंबर पर खेलना स्टार्ट किया, तब से वह लगातार हार्दिक पांड्या की कमी को महसूस नहीं होने दे रहे हैं, इसलिए वह वर्ल्ड कप में भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। तो वही आठवीं खिलाड़ी के रूप में एक बार फिर से इस सीरीज के लिए जीतेश शर्मा को चुना गया, क्योंकि जीतेश शर्मा T20 क्रिकेट में अपने लंबे लंबे सिक्स और बेहतरीन स्ट्राइक रेट से लिए जाने जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने डेब्यू मैच में धमाकेदार प्रदर्शन करके सभी का दिल जीत लिया था, इसलिए उम्मीद होगी कि वो इस सीरीज में और भी अपना जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वही नौवें खिलाड़ी के रूप में इस सीरीज की रविंद्र जडेजा की दोबारा से टीम इंडिया में वापसी होने जा रही है, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने हाल ही में वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन किया था, इसी का उन्हें इनाम मिला है कि वह T20 क्रिकेट में दोबारा से वापसी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वही दसवें खिलाड़ी के रूप में इस सीरीज के लिए एक और ऑलराउंडर खिलाड़ी के लिए अक्षर पटेल के लिए चुना गया, क्योंकि अक्षर पटेल ने जिस तरह से T20 क्रिकेट में अपनी ताबड़तोड़ हिटिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, इसके अलावा वह गेंदबाजी से भी लगातार T20 क्रिकेट में अपनी बेहतरीन जलवा बिखेरते हुए दिखाई देने वाले, इसलिए उनके पास आखिरी मौका होगा कि वह वर्ल्ड कप से पहले अपना धमाकेदार प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो वहीं 11वें खिलाड़ी के रूप में इस सीरीज के लिए एक बार फिर से स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई के लिए मौका मिला है, क्योंकि रवि बिश्नोई 2023 में T20 क्रिकेट में एक धमाकेदार गेंदबाजी की थी और वह भारत की तरफ से सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बने थे। तो वहीं 12वें खिलाड़ी के रूप में इस सीरीज के लिए एक बार फिर से तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को दोबारा से टीम इंडिया में शामिल किया गया है, क्योंकि अर्शदीप सिंह ने जिस तरह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में एक बेहतरीन प्रदर्शन किया था, इसलिए उनसे इस सीरीज में और भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं 13वें खिलाड़ी के रूप में इस सीरीज के लिए एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह दोबारा से T20 क्रिकेट में वापसी करने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि वह T20 क्रिकेट में अपना वर्ल्ड कप का वही फॉर्म जारी रखते हैं या एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं 14 और 15वें खिलाड़ी के रूप में इस सीरीज के लिए ऑलराउंडर खिलाड़ी तिलक वर्मा और तेज गेंदबाज मुकेश कुमार के लिए चुना गया है, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी अभी तक T20 क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन करते आ रहे हैं, इसलिए उनके पास दोनों खिलाड़ियों के लिए यह आखिरी मौका होगा कि वर्ल्ड कप से पहले एक अपना अच्छा धमाकेदार प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं BCCI ने इन्हीं 15 खिलाड़ियों के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए चुना गया है।